so let's start the nuclear physics the chronology of some major events in nuclear physics in 1895 the 1895 octopus, william roentgen discovered x-rays 1896 henry becquerel discovered radioactivity which we know that the unit of activity is becquerel name radioactivity given by marie curie 1897 j.j thompson discovered electrons 1898 ernest rutherford studied radiation emitted from uranium and named them alpha and beta अब जैसे कि आप जानते हैं कि अल्फा को हम हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं ठीक है और जो इमिटेड बीटा पार्टिकल्स थे आपके पास जो बीटा नेगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और बीटा पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर इनमें डिफरेंस है पर ठीक है जहाँ पर है कि आप देखते हैं कि बीटा पार्टिकल्स तो न्यूक्लियस के इनसाइड फॉर्म होते हैं और फिर इजेक्ट हो जाते हैं तो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ये तो आप जानते ही हैं और दूसरी बात की बीटा पार्टिकल्स ज़्यादा एनर्जेटिक हैं ठीक है इनकी आपके पास जो एनर्जी है वो आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स विच हैव द एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली और इन एक्सपेरिमेंट्स के चलते रदरफोर्ड को केमिस्ट्री में में 1908 नोबल प्राइज भी मिला था अब आप ये रिएक्शन देखिए से तो देखिए Z पर पर क्या है एटॉमिक नंबर 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 ऑफ और A मास मास आपको रिप्रेजेंट करता प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन ओके तो ये आपके पास जब एनिलेट होता है ठीक है तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन के अंडर कन्वर्ट हो जाता है जेड प्लस वन वाई प्लस बीटा नेगेटिव जो बीटा नेगेटिव आपके पास इजेक्ट हो गया इसके अंदर और एक एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रल ठीक है अब देखिए यहां पर आपके पास क्या रहेगा सो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखिए यहां पर आप जेड प्लस वन को मत देखिएगा एक बार अब देखिए बीटा के अब आपके पास चार्ज कितना आया बीटा आपके पास जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे माइनस वन और न्यू, एंटी न्यूट्रिनो आपके पास क्या है न्यूट्रल होता है जीरो ठीक है तो आपके पास चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना ठीक है तो पहले आपके पास कितना था नंबर ऑफ प्रोटोन की वजह से आपके पास चार्ज था पिछले पहले आपके पास रिएक्टेड में वो जेड था ठीक है तो जेड की वजह से आपके पास कितना जनरेट हो रहा था चार्ज जनरेट हो रहा था तो यहां पर आपके पास पहले माइनस आ गया तो यहां पर जरूर ही आपके पास प्रोडक्ट में चार्ज कितना होना चाहिए जेड प्लस होना चाहिए तो जो आपके पास न्यू प्रोडक्ट में जो आपके पास एक एलिमेंट निकल कर आएगा ठीक है उसका आपके पास जो अटोमिक नंबर होगा

अब देखिए मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो इसके मतलब यू समझ सकते हैं हम कि आपके पास जो न्यूट्रॉन्स हैं ठीक है एक जो न्यूट्रॉन है आपके पास वो तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया ठीक है विच गिव्स अस बीटा नेगेटिव प्लस एंटी न्यूट्रीनो ठीक है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास एक न्यूट्रॉन प्रोटोन में कन्वर्ट हो जाता है तब तो आपके पास बीटा नेगेटिव निकलता है विद अ एंटी न्यूट्रीनो आगे बात की जाए नाइनटीन हंड्रेड में नाइनटीन हंड्रेड में आपके पास पॉल अलरिक विल डिस्कवर्ड डिफरेंट रेज फ्रॉम रेडिएशन दिस रेज नेम्ड एज गामा रेज बाय रदरफोर्ड फोर्ड इन जीरो थ्री अल्फा बीटा गामा नेम्ड बाय रदरफोर्ड फोर्ड ऑब्वियसली एंड वी आर यूजिंग दीज नेम्स टिल date. और दूसरी तरफ आ, अगर आप अल्फा डीके में देखें अल्फा डीके में आपके पास क्या होता है जेड एक्स ए अल्फा डीके हो रहा है तो आपके पास क्या निकलेगा एक हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा तो आपके पास टू एच ई फोर निकल गया तो आपके पास देखिए जेड में फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपके पास जेड आपके पास माइनस टू होगा और ए आपके पास माइनस हो जाएगा ठीक है क्योंकि आपके पास फोर मास नंबर फोर निकल गया ना बार तो यह आपके पास अल्फा डीके ओके अब आगे बात करें प्लम पुडिंग मॉडल जे जे थॉमसन तो जेजे थॉमसन ने क्या कहा कि एटम एक स्फीयर है ठीक है जिसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है जैसे कि आपको वाटर मेलन वाला किस्सा याद होगा आपने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी इफ अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट टू वर्ड अ मैटर एटम्स इट वुड जस्ट फ्लाई स्ट्रेट इट्स पाथ इज डिफ्लेक्टेड ओनली बाई फ्रैक्शन ऑफ डिग्री थॉम्सर प्रोडक्टेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन एटम इज टू वीक टू अफेक्ट अ पासिंग अल्फा पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक ओके तो उसने कह दिया कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन है आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक एटम के अंदर जो कि एक स्फीयर टाइप का अब आगे बात करते हैं 1908 जीरो एट टू नाइनटीन अब यहाँ पर गाइगर मैसडन एक्सपेरिमेंट जिसको हम रदर फोर्ड फो, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं ठीक है गाइगर जर्मन से थे ठीक है और मैसडन गाइगर के स्टूडेंट थे ठीक है इन्होंने रदर के सुपरविजन के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये तो ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट तो आप सभी जानते हैं आपके इसके कि आपके पास रेडियम से अल्फा कोर्स स्कैटेड किए गए ठीक है वो गोल्ड मेटल फॉल पर स्कैटर हुए और इसके अंदर आपके पास वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुए एट लार्ज एंगल इवन मोर देन नाइन्टी डिग्री एंड एंड मोस्ट ऑफ दैन पासिस अनडिविटेड एज विच वॉज प्रोडक्टेड बाय द जे जे थॉमसन बट एंड अदर पॉइंट्स विच आर ऑल्सो कंक्लूडेड इन फॉर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट आर वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर रिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स मोर देन नाइन्टी डिग्री ओके मेनी ऑफ द वन अफ्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड बैक एट वन एटी डिग्री एंगल ओके तो यहां पर कंक्लूजन देख लेते हैं पॉसिबल ओनली इफ ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कंसेंट्रेटेड एट स्मॉल रीजन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस तो रदरफोर्ड यहां पर तो यहां से आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत हो जाती है तभी हम रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं ठीक है तो नाइनटीन इलेवन में न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस डिफरेंशिएट फ्रॉम एटम आगे बात करते हैं फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्टेबल आइसोटॉप्स बाई जे जे थॉमसन ऑन न्यून थर्टीन रदरफोर्ड बोहर अटोमिक मॉडल बोहर अटोमिक मॉडल जो कि आप सभी जानते हैं ठीक है थीके? और बोहर अटोमिक मॉडल तो बोहर मैं आपको बता दूँ ये आपके पास पी एच डी स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के नाइनटीन फोर्टीन में एज ए मोजले एज ए मोजले ने कहा कि जो प्रोडक्ट टेबल आपके पास वो अटोमिक नंबर के बेस पर होनी चाहिए अटोमिक नंबर जेट के बेस पर होनी चाहिए और उसके अरेंज करके ने शो किया तो क्योंकि उस टाइम पे आइसोटॉप्स डिस्कवर होने लग गए जैसे कि थॉमसन ने भी डिस्कवर किए थे तो जो प्रोडक्ट टेबल आपके पास वो वटोमिक नंबर के बेसिस पर ही अरेंज होगी ठीक है तो अगर आपके पास कहीं पर एच लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि आपके पास वहीं पर ही वन एच वन है वहीं पर वन एन एच टू है वहीं पर वन एच थ्री है ठीक है पर ये आपको पता होना चाहिए कि वन एच वन का क्या मतलब है कि उसमें वन प्रोटोन है वन एच टू का मतलब है कि उसमें वन प्रोटोन है वन न्यूट्रोन है वन एच थ्री का मतलब है कि उसके अंदर वन प्रोटोन है और टू न्यूट्रोन है ठीक है ये आपके पास क्लियरली अंडरस्टैंडबल है ठीक है ऐसे ही आप दूसरों को भी देख सकते हैं मैंने एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेकर आपको बता दिए है नाइनटीन फोटी नाइनटीन एटीन आपके पास कोई मेजर डिस्कवरी नहीं हुई क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था और बैटल ऑफ गैलीपोली में मोजले डाइड हो गए थे 1916, 1916 में इनको नोबल प्राइज दिया जाना था पर इनकी डेथ के कारण इन्हें नोबल प्राइज़ नहीं मिला और उस साल नोबल प्राइज किसे नहीं दिया गया उनकी याद में बात करते हैं आगे 1919, 1919 में एस्टन डेवलप्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। अभी मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? मास स्पेक्ट्रोमीटर मेजर करता है अटोमिक मासेज एक्यूरेटली अटोमिक मासिज आर ऑलमोस्ट इक्वल टू मास नंबर इफ एक्सप्रेस्ड इन अटोमिक मास यूनिट ओके अटोमिक मास यूनिट हम आगे पढ़ लेंगे ठीक है अभी आप इन डिस्कवरीज को देख लीजिए ठीक है जैसे कि वन एच वन है ठीक है वन एच वन में आपके पास जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वन है ठीक है तो आपके पास मास नंबर यहाँ पर कितना है वन है ठीक है न्यूट्रॉन जीरो ना ठीक है तो आपके पास अटोमिक मास कितना होता है इसका अटोमिक मास नियरली हम लिखते होते हैं वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन ठीक है सेवन तक तो आपको याद होगा मुझे पता है ठीक है एट टू फाइव अटोमिक मास यूनिट ठीक है तो एंटोन ने जो मास स्पेक्ट्रोमीटर डिस्कवर किया था उसने उससे उसने ये चीज़ कही थी कि अटोमिक मासज आर ऑलमोस्ट इक्वल टू मास नंबर इफ एक्सप्रेस्ड इन अटोमिक मास यूनिट आगे बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन अब देखिए नाइन में फर्स्ट रिपोर्टेड न्यूक्लियर रिएक्शन तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हुई कि रदर फोर्ड नहीं क्या तो अल्फा पार्टिकल बम्बाड़ किए गए नाइट्रोजन पर सेवन पर ठीक है जिससे कि आपके पास क्या हुआ एक प्रोटोन एक्सट्रैक्ट हो गया ठीक है एक प्रोटोन जब एक्सट्रैक्ट हो गया इसके अंदर से और नाइट्रोजन आपके पास ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया ठीक है तो एट ओ सेवेंटीन और यहां से ये भी हुआ कि आपके पास प्रोटोन की डिस्कवरी हो गई ठीक है अगर मैं हाइड्रोजन के आई की बात बात करूँ तो उसका अगर मैं वन एस टू पर्टिकलर लूँ ठीक है वो आपके पास कैसे बना होगा उसके अंदर आपके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन चाहिए आपको वो बनाने के लिए ठीक है यहाँ पर न्यूक्लियर की मास की बात बात कर रहा हूँ ठीक है तो आप ये बात ध्यान से सुनिएगा कि इस हाइड्रोजन आइसोटॉप का न्यूक्लियर मास होगा वो आपके पास इंडिविजुअल एडिशन ऑफ मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से लेस होगा ठीक है जिससे कि हमें पता लगता है कि आपके पास न्यूक्लियर मास मोर स्टेबल है क्योंकि उसके पास लेस एनर्जी है ठीक है तो उसके पास मास भी लेस है ठीक है और ये जो आपके पास मास का जो डिफरेंस आ रहा है ना इसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं जैसे कि आपने अपने आपनेलेवन ट्वेल्थ क्लास में देखा भी होगा मास डिफेक्ट में ठीक है बाइंडिंग एनर्जी ओके तो वैसे आप, okay? तो आप मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं अच्छा अब आगे जाते हैं अब क्योंकि यह देखा जा रहा था कि न्यूक्लियस में से बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स निकल रहे हैं ठीक है जिसको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं ठीक है तो, तो उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर सो दे ऑल्सो कंक्लूडेड दिस दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन मेड अप द न्यूक्लियर मास इसको अपने ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि तो ये नेक्स्ट पार्ट में ही ये चीज फेल हो गई थी ठीक है 1932 में क्या हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की डिस्वरी होगी किसके द्वारा जेम्स चैडविक के द्वारा ये भी रदरफोर्ड के पीएचडी स्टूडेंट थे ठीक है तो यहां पर इन्होंने क्या किया अल्फा पार्टिकल बोमबार्ड किए बेरिलियम पर फोर बी नाइन पर ठीक है जो कि कन्वर्ट हो गया आपके पास सिक्स सी ट्वेल्व के अंदर और एक न्यूट्रॉन आपके पास इमर्ज हो रहा है हो निकल कर आया ठीक है सो तो दस प्रोटोन न्यूट्रॉन मॉडल रिप्लेस इलेक्ट्रॉन प्रोटोन मॉडल नेक्स्ट अब आके नेक्स्ट अब आगे आप नॉमिक्लेचर देखिए न्यूक्लियर नोमिक्लेचर जेड एक्स से ठीक है जेड तो आप जानते हैं नंबर मास नंबर और यहां पर आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालते हैं माइनस जेड ठीक है मास नंबर में आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के नंबर आते हैं और एक्स जो यहाँ पर शो किया जा रहा है वो आपके पास सिंबल ऑफ एन एलिमेंट है जैसे कि वन एच वन टू एच ई फोर ठीक है तो टू एच ई फोर में आपके पास जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू हैं और न्यूट्रॉन्स आपके पास टू हैं ठीक है थीके? क्योंकि ए आपके पास फोर है तो जिसके अंदर आपके पास प्रोटॉन तो पहले से टू है ठीक है तो न्यूट्रॉन्स कितने टू होंगे सिक्स सी हो ट्वेल्व ओके तो अगर एक एटम के बारे में बात की जाए जो कि अपने आप में न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं पर एक आयन के बारे में बात की जाए पर उसके पहले एटम देखिए आप उसका थ्री एल आई सेवन जो कि एटम है ठीक है इसके अंदर आपके पास थ्री प्रोटोन है और फोर न्यूट्रॉन है ठीक है तो आप देखिए इसके अंदर कि आपके पास थ्री ही प्रोटोन है और थ्री ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर लिथियम में ठीक है पर हाँ अगर मैं इसके आयन की बात करूँ आयन में क्या हो जाएगा एल आई प्लस एल आई प्लस मतलब कि इसने अब क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो आपके पास थ्री प्रोटोन पर टू इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ में आपके पास क्या है आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स आप जानते हैं न्यूक्लियस हैविंग सेम नंबर नंबर बट डिफरेंट मास ए तीनों आइसोटॉप्स हाइड्रोजन में आपके पास जेड सेम है ना ठीक है जेड कितना है वन है पर मास नंबर आपके पास कितना चल रहा है वन टू एंड थ्री रिस्पेक्टिवली ठीक है ऑक्सीजन के आइसोटॉप में देखिए एट ओ सिक्सटीन और दूसरा आपके पास एट ओ सेवेंटीन ठीक है यहां पर आपके पास जेड कितना है एट है ठीक है ए मास नंबर आपके पास कितना सिक्सटीन एंड सेवनटीन रिस्पेक्टिवली क्लोरिन में देखा जाए सेवनटीन सी एल थर्टी फाइव एंड सेवनटीन सी एल थर्टी सेवन नाव यू कैन अंडस्टैंड इट वेरी इजली नेक्स्ट ऑन आई स्टॉप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट फिजिकल एंड डिफरेंट फिजिकली ओनली इन मास ओके तो अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो आइडेंटिकल होती हैं पर फिजिकली ये डिफरेंट होते हैं ओनली इन मास एक बात और आप देख लीजिएगा आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं ठीक है, है? उसमें आपने देख लिया कि एक वन एक्स वन एक वन वाई टू है ये आपके पास आइस्टॉप नहीं है ठीक है क्योंकि यहां पर आपके पास एलिमेंट भी सेम होना चाहिए एलिमेंट भी सेम होना चाहिए ठीक है जैसे कि हम हाइड्रोजन के ही हाइड्रोजन का, एलिम का एलिमेंट का ही ले रहे हैं ऑक्सीजन के एलिमेंट का ही ले रहे हैं ठीक है तो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए ऐसा नहीं है कि वन एक्स वन और एक्स वन वाई टू यहाँ पर देखिए आपके आपके पास जेड भी सेम है और आपके पास ए मास नंबर भी आपके पास डिफरेंट है तो वो आई हो जाएंगे नहीं आई नहीं होंगे ये रॉन्ग है नेक्स्ट बात करते हैं आइसोबार्स आइसोबार्स आपके पास हैविंग सेम मास नंबर एंड डिफरेंट जेड ठीक है मास नंबर यहाँ पर जैसे आप देखिए यहां पर आप देखिए एलिमेंट डिफरेंट हो सकता है ठीक है आइसोबार्स में आइसोबार में आप देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में बात की गई सिक्स सी फोरटीन एंड सेवन एंड फोटीन ठीक है 7N14, तो यहाँ पर मास नंबर कितना है मास नंबर आपके पास फोटीन है और डिफरेंट जेड अटोमिक नंबर है विच इज सिक्स एंड सेवन रिस्पेक्टिवली आगे बात करते हैं आइसोटोन्स आइसोटोन्स आपके पास न्यूक्लियर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो ऐसे न्यूक्लियर जिनके अंदर आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉ सेम होते हैं यह भी आपके पास डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है जैसे कि सिक्स सी थर्टीन सेवन एंड फोर्टीन तो यहाँ पर आप देखिए थर्टीन माइनस सिक्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेवन आ गए हैं कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप नाइट्रोजन कीजिए वहाँ पर सेवन आ रहे हैं तो ये एक दूसरे के हैं आइसोमर्स आइसोमर्स में बात की जाए न्यूक्लियर है एंड सेम जेड आप देखिए दोनों ही सेम आ गए ठीक है मास नंबर भी सेम एंड प्रोटोन नंबर भी सेम है बट डिफर वन अनदर इन देयर न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स एंड डिफर लाइफ टाइम्स पर उनकी न्यूक्लियर एनर्जी डिफरेंट होगी और उनकी लाइफ टाइम भी डिफरेंट होगी और यह अपने इनकाउंटर भी क्या होगा जैसे कि जब एक पार्टिकल अपने ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट सेकंड स्टेट में चला जाता है तो पार्टिकल तो वही है पार्टिकल तो वही है आपके पास ठीक है पर वो एक्साइटेड स्टेट में है ठीक है एक्साइटेड स्टेट में है उसका देखिए टिपिकली आपके पास मास नंबर भी सेम होता है ऑटोमिक नंबर भी सेम होता है ठीक है बट जो आपके पास एक्साइटेड स्टेट में होता है वो लेस स्टेबल होता है यू नो दैट एंड वन विच इज इन ग्राउंड स्टेट इज इन स्टेबल स्टेबल स्टेट और दोनों का लाइफ टाइम भी डिफरेंट होता है ठीक है यू नो दिस वेरी वेल आगे बात करते हैं मिरर न्यूक्लियर की मिरर न्यूक्र न्यूक्लियर हैव सेम मास नंबर ए मास नंबर ए तो सेम है आपके पास बट विद प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज ठीक है अब देखिए एग्जाम्पल लिया गया जैसे यहां पर फोर बी सेवन एंड थ्री एल आई सेवन फोर बी सेवन में आपके पास प्रोटोन कितने फोर न्यूट्रॉन कितने थ्री लिथियम वाले केस में आपके पास प्रोटोन कितने थ्री न्यूट्रॉन कितने फोर तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपके पास जो बैरीलियम में आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फोर है वो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिथियम में है. ठीक है और जो बैरीलीम में आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थ्री हैं वो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिथियम में है तो इंटरचेंज हो गए मिरर न्यूक्र है ऑल मिरर न्यूक्लियर आर आइसोबास बट ऑल आइसोबास नीड नॉट टू बी मिरर न्यूक्लियर ठीक है तो आइसोबास क्या थे आपके पास सेम ए बट डिफरेंट जेड अब देखिए इसके अंदर जेड तो डिफरेंट है दोनों में आपके पास पर ए तो सेम है ना आपके पास तो यहां पर ही कहा जा रहा है कि आपको जितने भी मिरर न्यूक्लियर होंगे ना वो आपके पास, पास आइसोबास होंगे बट ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जितने भी आइसोबास होंगे वो मिरर न्यूक्लेियर होंगे ही होंगे ठीक है अब इसमें आगे एक दो कंडीशन और देख लीजिए फॉर ए इज इक्वल्स टू और मेरे न्यूक्लियर ठीक फॉर अ पेयर ऑफ मेरे न्यूक्लियर तो इसके अंदर आप देखिए ए यहाँ पर ऑर्ड आ रहा है अगर ए आपके पास ऑड आता है तो आपके पास टू जेड प्लस माइनस वन की कंडीशन होगी ठीक है अब जेड आपके पास देखिए जेड आपके पास ऊपर वाले केस में आपके पास जेड अब टू से मल्टीपल हो जाएगा तो ईवन तो वैसे ही हो जाएगा भले आप फोर टू जो एट कर लीजिए और थ्री टू जै सिक्स कर लीजिए ठीक है अब प्लस माइनस वन जब आप करेंगे इसके अंदर तो बेरेलीम के केस में बैरीम के केस में आपके पास क्या होगा बैरियम बैरीलीम के, के केस में आप देखिए फोर टू जै एट माइनस वन तो आपके पास सेवन आ गया ए मास नंबर सेवन आ गया ठीक है और लीथे नंबर की जाए टू थ्री सिक्स प्लस वन ये आपके पास सेवन ऐसे आ जाएगा तो आपके पास ये पेयर की कंडीशन ऐसे बन जाएगी ठीक है और इसके अंदर ये कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी जो आपके पास ए है वो आपके पास वो वो वह जेड वन स्क्यर मानने जेड टू स्वयेयेयेयेये के बराबर होगा जैसे कि हम यहीं भी देख देते हैं और यहाँ पर आप ये एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जेड वन ग्रेटर देन जेड टू होना चाहिए और जैसे भी इंटरचेंज करके ले सकते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि आपके पास मास नंबर कितना है सेवन और आपके पास जेड वन फर्स्ट आपके पास ग्रेटर वन ले लेते हैं जेड वन हम फोर ले लेते हैं चलो वही है हमारे पास सिक्सटीन माइनस नाइन सिक्सटीन माइनस नाइन सेवन ऑब्वियसली ओके तो ये बात भी हो गई है और ये बात भी आप जान रखिएगा या तो जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू प्लस माइन वन और जेड माइनस जेड टू मॉडक्स टू वन ओके नेक्स्ट ग्राउंड स्टेट स्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर नेक्स्ट हम पढ़ने वाले मासेस मासेस अपने आप में इंपॉर्टेंस हैं क्योंकि एनर्जी इससे इनसे इन ही रिलेटेड होती है ठीक है और बाइंडिंग एनर्जी जो हम आगे निकालने वाले जो आप पढ़ेंगे हम ठीक है उसमें मास का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है सो मास कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट यूनिट्स के जी ए ए यू अटोमिक मास यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एम ई वी बाई स एंड दे कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बाय Well known formula is equals to mc square. So relationship between various units. Let's see, atomic mass unit. Prior to 1961, 1 AMU is equal to 1 by 16, the mass of an 8016 atom. But after 1961, it was called as unified AMU U, where 1U ratio with 1 AMU is equal to 1.003172 ratio 1. Okay. So they can both be carried out as approximately equal, 1U and 1 AMU. Okay, so one amu or one u now after 1961 called as 1.12 times the mass of one six C twelve atom, and we know that one mole has 12 gram of six C twelve, and one mole has 6.022 into ten to the power 23 atoms, which is Avogadro number. So from here we can conclude that 12 gram of 6C12 six C twelve is equal to 6.022 into ten to the power 23. Okay, so. 1 amu is equal to 1 by 12. Now we have to write the mass of 1 c 12 atom. So mass of 1 c 12 atom as 12 gram of 6C12 6 c 12 is equal to 6.02 to 10 to the power 23 atoms. So 1 atom is equal to 12 gram by 6.02 to the 10 to the power 23 which I have written here. Now 12 12 cancel out and gram changes into kg 10 to the power minus 3 kg and 1 amu is equal to 1.66 in 10 to the power minus 27 kg. Now in energy units, in energy units, energy is equal to mass cross c square.

So, I have written here 1.16 times the power minus 27 into 3 cross 10 to the power 8 ki power square. And joule, I have written mega electron volt by 1.16 times the power minus 13. So, 1 amu cross c square is equal to 931.5 mega electron volt. So, 1 amu is equal to 931.5 mega electron volt by c square. Now, the rest mass of electron. Rest mass of electron, 9.1 times the power minus 31 kg. Okay, now I will convert this into amu. Simply, we know that 1 amu is equal to 1.66 in terms of 27 kg. So, 1 kg is equal to 1 by 1.66 in terms of 27. Okay, so mass of electron in amu will be now 0. 0.000548 amu. Now, converting this into mega electron volt, simply we will write 1 amu is equals to 931.5 mega electron volt by c square. We know this. Okay, so 0. 0.000548 cross 931.5 is equals to when they will get multiplied the answer will be mass of electron so rest mass of electron will be 0.511 mega electron volt by c square which you already know i know this now next move on to the rest mass of the proton rest mass of the proton mass of proton is equals to 1.67265 into 10 to the power minus 27 kg and rest mass of neutron 1.67495 cross 10 to the power minus 27 kg as you can see the mass of proton and mass of neutron are clearly similar to each other so when they get changes into AMU they will also be get similar to that stage. So 1 AMU we know that 1.66 into the power minus 27 kg. So after converting kg into AMU, mass of proton is 1.00727647. And the mass of proton is equals to 1836 mass of electron. 1836 times the mass of electron. Now next move on mass of proton in mega electron volt mass of proton in mega electron volt is 938.2805 which is nearly equals to 938.3 mega electron volt by c square as hydrogen nucleus has only one proton so we can say that mass of proton is equal to mass of hydrogen nucleus but if we we'll talk about the hydrogen atom mass okay so mass of hydrogen atom is 1.0078 amu okay so see the difference so see the difference here. Mass of hydrogen atom 1.0078 amu and mass of proton is 1.0072 amu. Okay, let's see the case of neutron. In the neutron, uh, mass of neutron is in amu 1.008665 amu. And uh, the relation with mass of electron is mn is equal to 1839 mass of electron. And in mega electron volts, mass of neutron is 939.57 mega electron volt by c square. Okay, now you can clearly see here that the mass of neutron is ग्रेटर देन मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम एंड मास ऑफ हाइड्रोजन आटम इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटोन तो आगे चलते हैं बाइंड एनर्जी कॉन्सेप्ट पर बाइंड एनर्जी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप जो नीचे से आप शुरू कीजिएगा बाइंड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस अब देखिए तो देखिए प्रोटोन और न्यूट्रोन जो आपके पास न्यूक्लियके अंदर तो वो एक स्टेबल स्टेट में होते हैं स्टेबल स्टेट मीन्स लेस एनर्जी लेस एनर्जी मीस लेस मास और जब हम उसमें एनर्जी उसको प्रोवाइड की जाती है न्यूक्लियस को ठीक है उसको सेग्रीगेट किया जाता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन सेग्रीगेट हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से ठीक है तो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है जिससे अब जो स्टेट में अब वो आ जाएंगे प्रोटोन न्यूट्रॉन वो आपके पास अनस्टेबल है ठीक है मीनस यहाँ पर इसको एनर्जी प्रोवाइड की गई थी तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है एनर्जी ज्यादा है तो आपके पास इसके अंदर मास भी ज्यादा होगा ठीक है अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जो आपके पास जो मास का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन के अंदर और उधर आपके पास वो एक न्यूक्लियस में इनसाइड है तो स्टेबल है जो मास का डिफरेंस है ये आपके पास मास डिफेक्ट होता है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो मास डिफेक्ट इजी टू जेड एम मास ऑफ प्रोटोन इंटू मास माइनस माइनस ऑफ न्यूट्रॉस मासनस न्यूक्लियर मास बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है आपको ऊपर सब्सूट कर देना है okay, तो यह में लिख दिया अब आप ये जानते हैं कि आप अब एक, एक एटम का मास होगा मास Z. Z यहाँ पर जितने प्रोटोन होंगे न्यूट्रल एटम इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके तो यहाँ से आपके पास मास ऑफ आपके पास न्यूक्लियस आ जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस आपके पास मास ऑफ एटम माइनस जेड एम ई तो ये चीज हम आगे सब कर देंगे ये अभी हमने क्या निकाला था बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास अब हम आगे निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी निकाले इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास ओके तो अभी हमने निकाल लिया था बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास ओके अब हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास ओके देखिए बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास हमारे पास क्या थी बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू जेड एम पी मास ऑफ प्रोटोन प्लस ए माइनस जेड आपके पास नंबर ऑफ मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस न्यूक्लियर मास इंटू सी स्क्वेयर होल ओके नाउ बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ अटोमिक मास अब देखिए न्यूक्लियर मास आपके पास किसके बराबर आया था हमारे पास अटोमिकाइनस मास माइनस जेड एम ई एम ई आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट जेड आपके पास नंबर ऑफ प्रोटोन्स ओके तो ये हम न्यूक्लियर मास में ऊपर कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी बड़े फॉर्मले में ओकेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए प्लस जेड एम एके तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म तो जेड एम पी प्लस एम ई मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये सिंगल है तो आप यहाँ पर ले, ले सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ओके प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए ओके तो सिंपली आपके अंदर आपके सिंपली आपके पास ये कन्वर्ट हो गया एटॉमिक मास के अंदर ओके सो बाइंडिंग एनर्जी इज टू जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस आपके पास एटॉमिक मास आगे थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी को और समझ लें अब देखिए जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जब आप प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व करता है ठीक तो क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी कितनी होती है एन इक्वस टू वन इज इक्वस टू एर्नर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इक्ट्रॉन वोल्ट और इसे सेग्रीगेट करने में प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन को सेग्रीगेट करने में आयनाइशन एनर्जी कितनी देनी पड़ती है बाइंडिंग एनर्जी कितनी देनी पड़ती है वो आपको जानी पड़ती है थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके तो जिससे कि आपके पास प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल स्टेट में आ जाते हैं तो अब क्योंकि एनर्जी देनी पड़ी उससे मास भी इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी ओके okay. अब क्योंकि मास इंक्रीज हो गया तो मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली इज ग्रेटर देन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम तो बाइंडिंग एनर्जी इस केस में कितनी होगी हाइड्रोजन एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी इज इजिकल टू एम पी प्लस एम ई माइनस एम एच सी स्क्वेयर ओके सो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड एम ई माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाय सी स्क्वेयर ओके अब जो आपके पास फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं वो आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्र आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है इसलिए हम इजिली इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं अटोमिक मास एंड अटोमिक वेट सिंबल वन एच वन देखिए आइसोटॉप्स लिखे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के इसका अटोमिक मास आपके पास वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन एट ए एम यू फॉर द ड्यूटेरियम वन एच टू टू पॉइंट जीरो वन फोर ए एम यू एंड फॉर ट्राइटेरियम वन एच थ्री थ्री पॉइंट जीरो वन सिक्स ए एम यू अब इसकी रिलेटिव अबंडेंस भी देख लें अब वन एच वन में देखेंगे तो आपके पास इसकी अबंडेंस सबसे हाईएस्ट है नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन एट से भी ज्यादा और वन एच टू की आपके पास अबंडेंस देखने को मिलती है पॉइंट जीरो जीरो टू सिक्स टू पॉइंट जीरो वन एट फोर And for the 1 H3, we have very small traces. Now, atomic weight. Now, if we'll talk about the atomic weight, weighted average of mass of all atoms of an element in accordance to their relative abundance 1.0078 AMU. Same for all isotopes of an element. Nuclear size size. is very small size, thus very difficult to measure. अब इससे फिर मीज़र कैसे किया गया देखिए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रेफर किया गया इसको मीजर करने के लिए देखिए एक प्रॉबिंग पार्टिकल इंसिडेंट किया गया न्यूक्लियस पर और इस प्रोबिंग पार्टिकल की जो वेवलेंथ होनी चाहिए डी वेवलेंथ ऑफ़ द प्रॉबिंग पार्टिकल मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी स्टडीड जिससे कि हम उसे स्टडी कर सकें उसकी रेडियस जान सके उसका साइज जान सकें सो इट वॉज फाउंड टू बी

अगर आपके पास आर रेडियस का न्यूक्लियस है ठीक है उसमें आपके पास डेंसिटी कॉन्स्टेंट है ठीक है रो आर इजिकल्स टू रो नॉट फॉर आर लेस देन इक्वल्स टू आर अगर आर आपके पास रेडियस का न्यूक्लियस है बिग आर रेडियस का ठीक है और उसके आउटसाइड क्या होगा उसके आउटसाइड तो डेंसिटी जीरो होगी ठीक है यहाँ पर हम शेप्स पैरिकल देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ग्राफ भी दिख रहा होगा रो नोट और आर के बीच में तो आपके पास फॉर आर इज इक्वल्स टू आर तक बिग कैपिटल आर तक आपके पास डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है जो कि आपको क्लियरली विजिबल है उसके बाद आपके पास जीरो हो जाती है ओके okay. So, mass density is constant here, okay? So, if mass density is constant, so mass per unit volume is also constant. And mass per unit volume is constant, so volume directly proportional to mass of a nuclei, okay? We know that mass of neutron and mass of proton are quite similar to each other, quite equal to each other. So, mass of neutron and mass of proton is equal to, let's say, is equal to m, okay? Which is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, okay? So, volume which is directly proportional to mass of nuclei, we can write that as mass into m into number of nucleons which is a okay so 4 by 3 pi r cube directly proportional to mass into number of nucleons okay so r is proportional to a to the power 1 by 3 or we can say r is equal to r naught a to the power 1 by 3 where r naught is constant and r naught range is between 1.1 to 1.4 for me but for the numerical use r naught will be 1.2 for me okay now let's move on to the volume volume we say v is equal to 4 by three pi r cube एंड अगेन्सूडिंग आर इज टू आर नॉट इट टू पावर वन बाई थ्री वी विल गेट दट वी प्रपोर्शनल टू एके आगे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं बाइंड एनर्जी एंड बाइंड एनर्जी फॉर न्यूक्लियर ओके सो न्यूक्लियर मास की टर्म में हम बाइ एनर्जी देख चुके हैं बाइ एनर्जी आप पास जेड एम पी प्लस ए मानस डेड एम एम माइनस न्यूक्लियर मास ओके इन टू सी स्क्वेयर और इन टर्म्स ऑफ अटोमिक मास के पास बाइंड एनर्जी जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस अटोमिक मास सी स्क्वेयर ओके अब देखिए अगर आपके पास ये सारी यूनिट ए एम यू में है, तो आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पर आपको यहाँ पर सी स्क्य से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको नाइन थर्टी वन पॉइंट फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है नेक्स्ट आपके पास अगर ये के जी में है, तो आपको सी स्क्य से मल्टीप्लाई करना है ओके okay? तो आपके पास वो जूल बन जाएगा नेक्स्ट अगर आपके पास ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी से है तो सीकेय सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा ईजिली अब क्योंकि इस ग्राफ को आप काफ़ी बार देख चुके हैं अपनी इलेवंथ ट्वेल्थ क्लासेस में तो ये ग्राफ आपके पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियन ओके तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके आपको यहाँ पर पीक्स दिखती हैं पीक्स दिखती हैं आपको हीलियम फोर पर कार्बन ट्वेल्व पर ऑक्सीजन सिक्सटीन पर ए न्यून ट्वेंटी पर ओके okay? तो ये पीक्स आपके पास जो इनका न्यूक्लियन नंबर है वो फोर का मल्टीपल है ठीक है जैसे आप हीलियम के बारे में बात कर लें तो आपके पास उसका आपके पास न्यूक्लियन फोर है और आप कार्बन के बारे में बात कर लें तो उसमें आपके पास ट्वेल्व है और फिर आपके पास सिक्सटीन है ऑक्सीजन का और ट्वेंटी है नियोन का ओके okay? तो ये आपके पास जो पीक्स पर है वो आपके पास फोर के मल्टीपल है और ये आपके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा शो करते हैं उसके बाद आप देखिए आपको क्या स्टेबिलिटी देखने को मिलती है आपको यहाँ पर मैक्सिमम फेरस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखने को मिलती है और एवरेज इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखने को मिलती है वो सेवन देखने को मिलती है और उसके बाद ये ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है एट वेरी स्लो पे यहीं से न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को भी समझ सकते हैं देखिए जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल लू यूरेनियम टू थर्टी एट यूरियनियम टू थर्टी एट को जैसे कि मान लीजिए उसकी आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी है ठीक है वो आपके पास वो सेवन पॉइंट थ्री है ठीक है जो कि कम है ठीक है और वैसे तो एवरेज सेवन पॉइंट फाइव चलती है ठीक है जो इधर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे क्योंकि हम तो पूरा एकदम राइट सा, आ, राइट साइड में आ गए ठीक है तो उसमें आप क्या करते हैं न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कराते हैं ठीक है न्यूट्रॉन उसके ऊपर ट्रिगर किया जाता है तो जिससे आपके पास क्या है वो आपके पास वहां पर फ्यूजन हो जाता है और वो सेग्रीगेट हो जाता है वाई और जेड में और ये वाई और जेड कौन से होंगे वाई और जेड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स होंगे ओके तो आपको दिख रहा होगा कि जो एक्स था वो अब वाई और जेड में कन्वर्ट हो गया ठीक है, है अब उन दोनों में बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस था तो यहाँ पर क्या हुआ है जब आपके पास स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो वो ज्यादा स्टेबल है ना वाई और जेड ज्यादा स्टेबल है ये न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होते ही इसलिए ताकि आपके पास स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सके अब क्योंकि वो स्टेबल हो गए हैं तो स्टेबल हो गए हैं तो मतलब कि आपके पास उसके अंदर मास कम हो गया उनका ठीक है मास कम हो गया और उसके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ गई है ठीक है ऑब्वियस बात है आप इधर देखें लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में आपको शो कर रखा है एक और ग्राफ लेफ्ट साइड में आप ग्राफ जो शो कर रहा है आपको देखिए एक्स और वाई एक्स और वाई आज के अंदर जो नीचे नीचे मॉलिक्यूल्स पड़े ठीक है जो नीचे नीचे एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई एक्स और वाई एड होकर आपको क्या मिलता है जेड मिलता है देखिए ठीक है यहां पर भी आपके पास क्या हो रहा है स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और यहां पर भी आपके पास ये एक्सोथर्मिक ही होगा एनर्जी रिलीज हो रही है ओके अब क्योंकि हमने यहां पर देखा कि आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्अन वो आपके पास एग्रीकेटली सेवन पॉइंट फाइव के राउंड चलती है ठीक है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वस टू सेवन पॉइंट फाइव कॉस ए मल्टीप्लाई ए ओके और वी कैन से बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ओके तो अगर हम बात की जाए कि आपके पास यूरेनियम टू थर्टी फाइव की आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी तो सिंपली इसका आप क्या देखिए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर टू थर्टी फाइव है टू थर्टी फाइव है तो सेवन पॉइंट फाइव क्रॉस टू थर्टी फाइव तो एटीन हंड्रेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ आ जाएगा आपके पास ओके okay, आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए

तो यहाँ पर आपको क्या करना है कॉपर न्यूक्लियस कॉपर न्यूक्लियस आपको देखा तो वापस से वो आपके पास रेडियस आर इज टू आ नॉट एट द पावर वन बाय थ्री तो आपके पास रेडियस यहाँ पर कितना देखा है कॉपर का फोर पॉइंट एट इंट टू पर माइनस थर्टी सेंटीमीटर इज इक्ल्स टू आर नॉट ए ए यहाँ पर है इसके अंदर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर टू वन थ्री ओके और नेक्स्ट आप एम जी का लिखेंगे एम जी का फाइनडी करना है उसका लिखेंगे आर इजक्ल टू आ नॉट आर नॉट एट दावर बाय थ्री ट्वेंटी सेवन टू वन थ्री ठीक है इसको आप सॉल्व करेंगे एकदम इजी है आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा थ्री पॉइंट इन टेंट टू पर थर्टी सिर्फ डिवाइड करना इसके अंदर भी नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज वन बाई थ्री 1 बाय थ्री टाइम्स द रेडियस ऑफ वन एटी नाइन ऑस्मियम न्यूक्लियस इज ओके द्यूक्लियस द स्टेबल न्यूक्लियस आप मान लीजिए उसका रेडियस आपके पास आर है ठीक है तो वहां पर भी होगा कर नॉट एट दावर वन 1 थ्री ठीक है और इक्वल होगा वन बाई थ्री आर नॉट

तो यहाँ पर ये बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम की ठीक है हाइड्रोजन एटम में आपके पास क्या होगा अटोमिक मास में आपके पास क्या आएगा एम ए में आएगा एम एच ठीक है इज इक्वल टू न्यूक्लियर मास तो न्यूक्लियर मास आपके पास सारा प्रोटोन ही कवर है इसके अंदर तो एम पी प्लस आपके पास जेड एम ई जेड एम ई था ना तो जेड आपके पास वन हो जाएगा और प्लस एम ई रह जाएगा ओके माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी ठीक है बाइंडिंग एनर्जी इतनी होती है ना आपके पास देखा था हमने अभी तो बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्वयर माइस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वेयर ओके तो आपके पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है ओके okay, अब आगे चलते हैं एस्ट्रन रूल एंड पैकिंग फ्रैक्शन तो एस्टन रूल हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी In 1919, Aston developed mass spectrograph to calculate atomics. He concluded that atomic masses are almost equal to their mass numbers when expressed in AMU. For A less than 20 and A greater than 180, atomic masses are slightly greater than mass number A. And for A between 20 to 180, atomic masses are slightly less than their mass number A. Okay, so this departure is called mass defect by Aston. So this departure is atomic mass minus mass number, which is del M. So packing fraction is... डेल एम बाई ए ओके सो डेल एम इज एम ए माइनस ए अटोमिक मास माइनस मास नंबर ओवर मास नंबर ओके सो दैट्स हाउ वी डिफाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन। तो आप देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मला हमारे पास क्या था एजिकल्स टू अटोमिक मास माइनस मास नंबर ओवर मास नंबर तो देखिए जब आपके पास मास नंबर 20 से लेस और 180 से ज्यादा होगा तो आपके पास एम ए आपके पास अटोमिक मास ग्रेटर दैन मास नंबर होगा ओके okay, तो आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आएगा ठीक है तो so, यहाँ पर ग्राफ देखिए आप पैकिंग फैक्शन आपके पास पॉजिटिव हो रहा है फॉर लेस दें ट्वेंटी एंड ग्रेटर एटी और इसी के अपोजिट में आपके पास बिटवीन 20 टू 180 आपके पास ये नेगेटिव रहेगा पैकिंग फ्रैक्शन और सबसे मोस्ट नेगेटिव आपके पास वैल्यू किसकी आएगी फेरस की अब देखिए एक सी टेल्व मैंने बाहर भी बना रखा है थोड़ा तो सा डेविएशन देखने को मिल सकता है आपको इस ग्राफ से तो कुछ अटोमिक मासेज मैंने यहाँ पर लिखे जैसे कि हाइड्रोजन का अब क्योंकि ट्वेंटी से लेस है तो यहाँ पर आपके पास अटोमिक मास कितना आएगा वो मास नंबर से ज्यादा आएगा जैसे कि वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन एट हीम का लिख रखा है हीलियम आपके पास लेस है तो ज़्यादा आएगा फोर पॉइंट जीरो जीरो टू सिक्स थी में लिख रखा सेवन पॉइंट जीरो वन सिक्स 14.003 एन फोरटीन फोटी पॉइंट जीरो जीरो थ्री ए एम यू ऑक्सीजन सिक्सटी फिफ्टीन पॉइंट नाइन नाइन फोर ये आपके पास एक्सेप्शन ठीक है तभी लिखा गया है ये एम जी ट्वेंटी फोर देखिए अब आपके पास ये कहां पर आ गया ट्वेंटी और वन एटी के बीच में आ गया अब आपके पास जो अटोमिक मास आएगा वो आपके पास मास नंबर से छोटा आएगा ठीक है तो ये आपके पास कितना है ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन एट फाइव ठीक है ट्वेंटी फोर से लेस आ गया एल्यूनियम का ट्वेंटी सेवन तो इसका अल्यूनियम ट्वेंटी सेवन तो आपके पास ये कितना है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन एट वन ठीक है तो ये कुछ मैंने वैल्यूज आपको एक्जाम्पल के तौर पर बता दी गई है

तो मास डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं मास डेंसिटी देखिए मास वॉल्यूम सो मास आपके पास अब देखिए यहाँ पर मास कैसे डिफाइन करेंगे हम क्योंकि न्यूक्लिस के बारे में बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन मास एंड प्रोटोन मास विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेट मी कॉल दैट बाय एम पॉइंट माइनस ट्वेंटी सेवन के जी और एंड वील्सो नो दट आर इज आर एट पावर इन द मासेंसिटी फॉर्मला सो एम एच वी डॉट एंड फोर बाई थ्री आर नॉट क्यूब ए सो ए टू ए कैंसिल सो मासेंसिटी इज इक्स टू थ्री एम बाई फोर बाई आर नॉट क्यूब ट न्यूक्लियर मैटर इज हाईली डेंस आगे चलते न्यूक्लियर डेंसिटी ओके अब न्यूक्लियर डेंसिटी के बाद करते हैं वो आपके पास क्या मास डेंसिटी थी तो बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की न्यूक्लियर डेंसिटी आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियम पर इन वॉल्यूम ठीक है तो वॉल्यूम आपके पास फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब यहाँ पर हम रिलेशन निकालेंगे आर आर नॉट एट द पावर वन बाय थ्री ओके क्योंकि आर के ऊपर पहले से क्यूब है तो आपके पास आर नॉट क्यूब इन टू ए आ जाएगा और ए से ए कैंसिल इजिली और आपके पास न्यूक्लियर कितनी आ गई है थ्री बाई फोर पाई आर नॉट क्यूब ओके तो इसमें भी आप वैल्यू सब्शन कर दीजिए तो यहाँ पर आपके पास न्यूक्डन कितनी आ रही है वन पॉइंट थ्री टू पावर फोर्टी फोर न्यूक्लियम पर मीटर क्यूब ओके अब आपके पास इसके अंदर रिलेशन क्या बैठता है इन दोनों के बीच में अब क्योंकि हमने देखा था पिछले मास डेंसिटी में आपके पास कितना आया था थ्री एम बाई फोर बाई आर नोट क्यूब आया था एक एम जो आपके पास है उसमें एक्स्ट्रा आया था यहाँ एक जो एम आपके पास वो इसके अंदर एक्स्ट्रा आया था यहाँ पर वो नहीं आया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे रिलेशन क्या बन गया हमारे पास मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू न्यूक्लियर डेंसिटी इंटू एम तो हम अब क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास न्यूक्लियर डेंसिटी आपके पास टेंस टू पर फोर्टी फोर और मास और मास आपके पास टेंस टू पर माइनस ट्वेंटी सेवन की रेंज का होता है तो आपके पास मास डेंसिटी टेंस टू पर सेवेंटी की ओके साइड में थोड़े से अपने ग्राफ बना रखें तो आप ये भी देखिए कि आपके पास जो मास डेंसिटी वर्सेस वर्सेजर का ग्राफ बनेगा ठीक है तो वो आपके पास देखिए स्टार्टिंग तो कॉन्स्टेंट है स्टार्टिंग तो कॉन्स्टेंट ही है बट डिफॉर द डिफरेंट रेडियस दिस एंडिंग इज डिफरेंट ओके देखिए जैसे ही हमने पहली बात की थी कि आपके पास जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो आप पास कॉन्टेंट रहती है एक्सेप्ट एट द सफेस तो सर्फेस पर आपको ये वेरिएशन देखने को मिलेगा ओके बाकी हर जगह आपके ये सेम है ठीक है कॉन्स्टेंट चलती है स्टार्टिंग कॉन्स्टेंट है आगे बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की चार्ज डेंसिटी के बारे में बात की जाए आपके पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जेड ई बाई फोर बाई थ्री आई आर क्यूब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है जेड बाई के ठीक है तो यहाँ पर आपको अलग देखने को मिलता है जो चार्ज डेंसिटी आपको चार्ज डेंसिटी देखने को मिलती है वो आपको अलग अलग देखने को मिलती है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अलग है ठीक है वो आपके पास चार्ज डेंसिटी आपको सेम देखने को नहीं मिलती है हर एक एलिमेंट के लिए तो हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट देखने को मिलती है क्योंकि आप जेड बाई ए रेशो अलग अलग आता है क्योंकि जेड बाई वेरी कर सकता है तो आइए आप कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम टू थर्टी एट आर गिवन बाय लाइक दिस सो वी हैव टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम टू थर्टी एट ओके तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर यूरेनियम टू थर्टी एट तो यहाँ पर फॉर्मला क्या लगेगा आप सकते हैं आप तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम दे रखा है ठीक तो है तो यहाँ पर फॉर्म लगेगा जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस जेड एम एके तो आप सबस्टूट कर देखेंगे यहाँ पर सबस्टूट करते हैं बस यहाँ पर जेड यहाँ पर कितना है इजिली नाइन टू विजबल और एमएच आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वो भी देख रहा, दे रहा है आपको ठीक है ए माइनस जेड आपको कितना देख रहा है टू थर्टी एट माइनस नाइनटी टू ओके और फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन वो भी है आपको नेक्स्ट आपके पास माइनस जेड करना है जेड आपके पास कितना है जेड नाइनटीट टू वापस वापिस आपको ध्यान है और मास ऑफ एटम आपका टू थर्टी एट पॉइंट जीरो फाइव जीरो एट देखिए पूरा लिखेगा और ये ए एम यू में है सभी आपके पास ये एम यू में देखें अब क्योंकि ए एम यू देखे तो हमने पहले बात की थी आप ए ए ए ए ए एम यू में देखें तो आपको सभी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप नाइन थर्टी वन पॉइंट फाइव से ठीक है इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे ईजीली आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इजी आंसर निकल जाएगा ठीक है तो इसका सही आंसर बनता है डी डी आंसर इज करेक्ट तो मैंने एक कैलकुलेशन भी कर रखी है इसकी वो मैं दिखाता हूं आपको तो ये देख लीजिए आप से वेल छूट हो जाएंगी और देखिए यहाँ पर क्योंकि सभी एम में थे तो नाइन थर्टी सिक्स फोर पुट कर दिया है और आपके पास में, वोल्ट में निकल जाएगा बाइन एनर्जी पर न्यूक्लॉन मीन बाइन एनर्जी बाय टू ट आएगा आपके पास जो भी आपको बाइड एनर्जी आएगी उसको टू से डिवाइड करना है आपने. ठीक है तो यहां पर आपके पास क्या क्या दे रखा है मास ऑफ हाइड्रोजन आटम ओके जेड आपके पास यहां पर वन हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन देखिए न्यूट्रॉन आपके पास कितने आपके पास वन ठीक है न्यूट्रॉन और मास ऑफ ड्यूट्रॉन देखा है यहाँ पर मास ऑफ ड्यूट्रॉन ट्रॉन आपको देखा है टू पॉइंट जीरो वन फोर वन जीरो टू देखिए आप सारा आउटपुट कीजिएगा ठीक है सिर्फ आप वन पॉइंट जीरो जीरो एट मत कर दीजिएगा यहाँ पर स्पेशली गिवन नहीं आपको किस में चाहिए आंसर तो आप अपने डिजायरेबल यूनिट्स में आंसर निकाल सकते हैं ठीक है पर इसको टू से डिवाइड करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम पूछा गया ठीक है अगर आपने इसका आंसर निकाल लिया तो मैं आपको इसका आंसर शेयर कर देता हूँ तो आपके पास यहां पर बाइंडिंग एनर्जी आएगी टू पॉइंट टू टू फोर मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट मेगा एलेक्ट्रॉन बोल पिकला मैंने और यहाँ पर पर न्यूक्लियर है तो आप आपसे टू कर देंगे सिंपली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इफ अर्थ वुड कंसिस्ट ऑफ ओनली न्यूक्लियर मटीरियल वट विल बी इट्स रेडियस इफ द द मास ऑफ अर्थ इज देखिए मास दे रखा है यहां पर हमें और यहां पर पूछ रहा है वट विल बी द वट विल बी इट्स रेडियस वट विल बी इट्स रेडियस इफ द मास ऑफ द अर्थ इज दिस एंड मास डेंसिटी देखिए मास डेंसिटी देखिए तो हमें फोन लग होता है हमारे पास मास डेंसिटी मास पर वॉल्यूम मास तो हमें देखा है ठीक है वॉल्यूम में हम क्या अपड करेंगे फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ठीक है यहाँ से आपको मास डेंसिटी डेंसी है आर हम इजिली निकाल लेंगे यहाँ से ठीक है तो आर आप कैलकुलेट कीजिए मैं आपको कौन सा शेयर कर देता हूँ इसका तो आर आपके पास यहाँ पर आएगा 243 मीटर जबकि असल में जो एक्चुअल रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है जो कि हम जानते हैं अगर आपके पास डेंसिटी पर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी ना तो आपके पास रेडियस 243 मीटर होगा ओके फॉर दिस मच मास ऑफ द अर्थ ओके okay, तो अब आगे चलते हैं एवेल्यूट करते हैं मीन क्योर रेडियस तो मीन क्योर रेडियस इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इफ डेंसिटी इज गिवन ओके सो द सो द क्वेश्चन इज फाइंड मीन क्योर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इफ चार्ज डेंसिटी इज देखिए आपके पास यहाँ पर डेंसिटी क्या दे रही है डेंसिटी कॉन्स्टेंट देखिए रो आर इज इक्वस टू रो नॉट कॉन्स्टेंट और आर लेस देन इक्वल्स टू बिग आर ओके एंड फॉर आर ग्रेटर देन बिग आर दिस इज डेंसिटी इज़ ज़ीरो ओके डन तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है मीन क्योर रेडियस तो मीन क्योर रेडियस निकालने से पहले तो देखिए हम यहाँ पर मीन निकालना है तो जैसे कि हम क्वांटम में एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं वो देखिए राइट हैंड साइड में आप देखिए इधर राइट हैंड साइड में आप देखिए एक्सपेक्टेशन कैसे है स्टार साई डी एक्स ओवर हम नीचे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं ठीक है अगर आप नॉर्मलाइज नहीं है आपके पास टी तो ठीक है तो वैसे ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि आपके पास जैसे आर का एक्सपेक्टेशन क्या होता आर का एक्सपेक्टेशन हम लिखते हैं रो आर आर डी टो बाई आपके पास नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन रो आर डी टो ओके अब क्योंकि रो आपके पास कॉन्स्टेंट है ठीक है तो अब जैसे आपके पास उसके अंदर स्टार साइड डेंसिटी होती है तो यहाँ पर आपके पास क्या डेंसिटी है रो आर डेंसिटी है ठीक है और हम आज करके एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं मीन निकाल रहे हैं तो आज कर लिख दिया और आपके पास जो सर्कल पॉलिनेट्स के आपके पास इसके अंदर डिफरेंशियल टर्म्स आएंगे आज कर साइंथरा डी आ डी थ्री थर्टी फाइव वो में लिख दिए ठीक है नीचे आपके पास नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन आपके पास रो आर का ओके सिंपल अब रोआ को आप बाहर ले लेंगे क्योंकि आपके पास वो कॉन्सटेंट है आर इज गु रो नॉट ओके और आपके पास साइंथरा डी थ्रा डी फाइव आपके पास फॉर द इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू जीरो टू पाई एंड फाइव जीरो टू पाई आपके पास ये फोर पाई है ओके तो फोर पाई हमने बार ले लिया नीचे भी आपके पास फोर पाई बार आ जाएगा और नीचे आपके पास रो नॉट आर स्क्र डी आ जाएगा और ऊपर आपके पास रो नॉट आर फोर हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि आर स्क्र भी था ऊपर ही ठीक है उसकी वजह से आर की पावर फोर हो गया प्लस जो आपके पास जो आउटसाइड रीजन आउटसाइड रीजन में तो आपके पास डेंसिटी जीरो है तो वो आपके पास जीरो हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों साइड ठीक है अब सिर्फ आपको बस इंटीग्रेशन करना है इसके अंदर अब देखिए रोनोड से रोनोड कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर भी क्योंकि वो कॉन्सेंट है ठीक है और ऊपर बजा जाएगा आप पास आर की पावर फोर जीरो टू आर नीचे आपके पास इंटीग्रेशन आर स्क्यर का इंटीग्रेशन जीरो टू का तो आपके पास आ गया आर की पावर फाइव बाई फाइव और नीचे आर की क्यूब बाय थ्री ओके तो आपके पास कितना आ गया थ्री बाई फाइव आर स्क्वेयर तो आपके पास मीन स्क् रेडियस कितनी आ गई है मीन रेडियस आपके पास आगे थ्री बाई फाइव आर स्क्वेयेर अब देखिए जो पिछले वाला क्वेश्चन था वहां पर तो आपके पास क्या था चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या थी कॉन्स्टेंट थी पर आपके पास अगर ये रेडियस के साथ वेरी कर रही है तो ये आपके पास कैसे सॉल्व होगा सो नाउ वट विल बी द रूट मीन स्कोर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ओके सो मीन स्केर रेडियस आर इज तो वैसे ही हम इसको एवल्यूट करेंगे फोर पाई वैसे पहले मैंने बाहर ले लिया ठीक है ऊपर नीचे दोनों साइड से रो नॉट इट पावर माइनस आर बायर स्क्वेयर ठीक है वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा आर की पावर फोर इट टी पावर माइनस आर बाय ए और नीचे आपके पास आर की पावर स्क्वेयर इट टी पावर माइनस आर बाय ए इंटीग्रेशन आपके पास चल रहा है जीरो टू इन्फिनटी फॉर द आर ओके आप ये इंटीक्शन जानते हैं गामा रिलेशन इट पावर एक्स एक्स टी पावर एन माइनस वन आपके पास एन है ठीक है और गामा एन प्लस वन इजकल टू फैक्टोरियल ओके सो बिफोर वैल्यूटिंग दिस पुट आर बाई ए इज इक्वल्स टू एक्स सो डी आर इजकल टू ए डी एक्सो दैट सो आर इजिकल्स टू ए एक्स एंड इट द पावर माइनस एक्स ओके सो एक्स की पावर फोर इट दावर माइनस एक्स ए डी एक्स ओके एंड जो नीचे वेटर आपके पास ए एक्स स्क्र इट टू दावर माइनस एक्स ए डी एक्स ओके तो आपके पास जो ए टर्म है वापस जो कॉन्टेंट है वो बाहर आ जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी ओके okay? और यहाँ पर आपके पास जो सिंपल इंटीग्रेशन बन रहा है वो आपके पास गामा रिलेशन से सॉल्व हो जाएगा गामा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा ओके एक्सटू दी पावर है एक्स टू पावर फोर इट दावर माइनस एक्स तो इसका आपके पास गामा बनेगा गामा फाइव और आपके पास एक्स टू दी पावर स्क्वेयर इट दावर माइनस एक्स ये आपके पास गामा थ्री ओके तो ये आपके पास बन गया ट्वेल्व ए स्क्वेयेर तो मतलब कि यहाँ पर आपके पास रूट मीन स्क्वेयेयर आपके पास कितनी आ गई है रूट मीन स्क्वेयर आपके पास आ गई है रूट ट्वेल्व ए अब आगे बात करते हैं रेडियल डिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी तो रेडियल डिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी हमें क्या बताती है बाई स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वी गेट फॉर्म फैक्टर एफ क्यू एज एफ क्यू मॉर्स स्क्र डी सिग्मा बाई डी ओम फाइनाइट साइज फॉर द दाइनाइट साइज एंड डी सिग्मा बाई डी ओम फॉर द पॉइंट दॉइंट फॉर्म फैक्टर इज फॉर ट्रांसफॉर्म ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी गेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाई इनर्स यूर ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉर्म फैक्टर एंड ऑब्वियसली वी कैन गेट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाई इनवर्स फॉर यू ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉर फैक्टर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर एक्सपोरेंशियल गोशियन युका फर्मी टाइप वुड सेक्शन ईटीसी सो फॉर कार्बन ट्वेल्व ऑक्सीजन सिक्सटीन बेस्ट फिटेड इज हार्मोनिक टाइप एंड फॉर द हीलियम गोशियन टाइप बट फॉर मीडियम एंड हैवी न्यूक्लियर मीन्स फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर्स बेस्ट फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉरमी वुड सेक्शन सो लेट सी बट वुड सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं बस इसे हम देख रहे हैं एक बार ठीक है ये इतना डीक में नहीं पूछा जाता है क्योंकि वुड सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल डिपेंडेंस तो चार्जेंस आपके पास रॉ आर इज इक्वल टू रॉ नॉट बाई वन प्लस इट द पावर आर माइनस सी बाई ए तो आपके पास ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर शो भी कर रखा है ठीक है ग्राफ में तो जैसे कि आप ग्राफ में देख भी सकते हैं कि आपके पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियर आपके पास ये डेंसिटी आपके पास कॉन्स्टेंट रहती है और फिर एट द सर्फिस आपके पास ये आकर ये डिफरेंट बिहेवियर शो करती है ठीक है सो एट आर रिज जीरो मीनस ए देंटर ऑफ न्यूक्र आपके पास जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी रॉ नॉट बाय वन प्लस इट द पावर माइनस सी बाय होगी ओके अगर आपके पास सी बाई ठीक है सी आपके पास मैं आपको बता दूंगा सी आपके पास हाफ वे रेडियस होती है ठीक है तो सी मैं बता देता हूँ सी आपके पास हाफ वे रेडियस है वे डेंसिटी फॉल्स टू हाफ इट्स वैल्यू दैन दट एट सेंटर ओके सो सी बाई ए और ए आपके पास कॉन्स्टेंट है और सी बाय ग्रेटर ग्रेटर दैन वन सो इट दाइनस सी बाई ए लेस लेस दैन वन सो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू रो नॉट जो कि आपके पास कॉन्सटेंट है ओके एंड फॉर सी इज इक्वल्स टू आर रो आर इज इक्वल्स टू रो नॉट ओवर वन प्लस इट द पावर जीरो ओके हम ऊपर वाले फॉर्मले पोट कर रहे हैं जब आपके पास आर माइनस आर जीरो जाएगा तो आपके पास रो नॉट बाई टागेगा एट सीवल टू आर जैसे कि हमने पहले बात भी की आपके पास वेयर डेंसिटी फॉल्स टू हाफ इट्स वैल्यू दैन दट ऑफ एट सेंटर ओके सो एस वी नो दैट आर प्रपोर्शनल टू इट दावर वन बाय थ्री ओके वी कंक्लूड दैट सो सी विच इज ऑल्सो द हाफ वे रेडियस विद ऑल्सो ब्रेक्स प्रशनल टू इट द पावर वन बाई थ्री ओके एंड लिटल इज कॉन्सेंट्रियर ओके तो जो बिहेवियर हमने न्यूक्लियर डेंसिटी और रेडियस uh, में देखने को मिला था वो ही आपको हाफ वे रेडियस और न्यूक्लियर डेंसिटी रेडियस में देखने को मिलेगा ओके okay, अब आगे बात करते हैं थिकनेस टी ऑफ ए न्यूक्लियर सर्फेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एट टेन परसेंट एंड नाइन्टी परसेंट ऑफ द मैक्सिमम डेंसिटी रो नॉट एट द सेंटर ठीक है तो आपके पास यहाँ पर टेन परसेंट आपके पास कहाँ पर देखने को मिलेगा टेन परसेंट आपको आर टू पर देखने को मिलेगा और आपके पास आर वन पर कितना है आर वन पर आपके पास नाइन्टी परसेंट डेंसिटी आपको देखने को मिली तो जो ये आपके पास जो डिफरेंस है वो आपके पास शो करती है सो फॉर आर इज इक्ल टू आर वन ओके तो आपके पास पॉइंट नाइन रो नॉट आपके पास कितना है रो नॉट बाय वन प्लस इट द पावर आर वन माइनस सी बाई एके एंड फॉर पॉइंट वन रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट बाय वन प्लस इट द पावर

एक तो आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म फैक्टर होता है वो इस तरीके से गिवन है और जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो कुछ इस तरीके से ठीक है तो ऊपर आपके पास जो एक्सपोनेंशियल है उस एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेशियल खोलिए आप एट दाइनस एक्स तो आपको पता है कैसे खुलता है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र बाई टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सोन ओके और नीचे आपके पास एफ ऑफ केव स्केर में क्या है साइन के ओवर साइन के ओर भी आप खोल लेंगे साइन के ओवर का एक्सपेंशन भी आपको पता है ठीक है अब जब आप नीचे वाले का एक्सपेंशन खोलेंगे ठीक है उसमें आप कंपेयर करेंगे क्यू स्केयर बाई टू के स्कूल वाल को ठीक है वहां से आपके पास रूट मीन स्क्यूअर रेडियस आ जाएगी ठीक है आप इतना तो कीजिए ठीक है उसके बाद रहा अपनी बन जाएगा पर आपकी इतनी कोशिश तो होनी चाहिए कि आप दोनों को एक्सपेंड कर दें ठीक है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है ठीक है उसके बाद वैसे बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप समझ जाएंगे इस, इसके अंदर क्योंकि रूट मीनस के रेडिस निकालने और एक हिंट और इसके अंदर कि जो आपके पास डी थ्री रहा है वो यहां पर डी टॉ है ठीक है देखिए इसके अंदर अब

तो ये वैल्यू भी हम सब कर देते हैं इसके अंदर एफ एफ के वेयर के अंदर अब आप देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो चेंजेस यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे अब देखिए फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या आएगा कि आर इंटीग्रेशन में आपके पास क्या है फोर पाई बार है अब हम जानते हैं फोर बाई हमारे पास कैसे बनता था फोर पाई हमारे पास बनता था जो कि आपके पास डीटो में आता था ना डीटो में आपके पास अब यहाँ पर डीटो क्या है यहाँ पर डी थ्री आर है ठीक है तो यहाँ पर जो डीटो है हमारे पास डी थ्री आ रहा है आपके पास कितना है आर स्वयर साइंस थ्रा डी थ्रा डी फाइ डी आर ओके तो आपको आप जानते हैं कि आपके पास जो साइंस थ्रा डी थ्रा डी फाइव आपके पास इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एंड जीरो पाई ओके फाइव फॉर जीरो इसका आंसर कितना आता है फोर पाई मतलब कि ये आपके पास इसके अंदर छुपा हुआ है और इसके अंदर आर डी आर तो है ही है हमारे पास ठीक है दूसरा आपके पास केव आर हमारे पास आ गया ठीक है केव आर आ गया ठीक है तो आप देखिए इसके अंदर क्या बन गया रो आर और आर स्केर आर स्वयर भी बन गया तो रो आर डी क्यूब आर आपके पास बन गया ये आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन बन गया ठीक है।, है, है आप देख सकते हैं इजी से ठीक है ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट वाले बन जाएगा अब आप देखिए इसके अंदर जो दूसरा इंटीग्रेशन है माइनस के बाद वो आपके पास क्या आएगा माइनस इंटेशन जीरो आर तो देखिए वहां फैक्टोरियल होगा ना साइन एक्सपेंशन खुल रहा है हमारे हमारे पास पास अब दूसरी टर्म आ जाएगी हमारे पास। दूसरी टर्म टर्म आ आ जाएगी जाएगी तो हमारे पास आर की पावर फोर बन रही है आर की पावर फोर बन रही है और हमें आर स्क्वेयर तो किसके अंदर चाहिए था आर स्क्र हमारे पास डी टॉमच ला जाएगा ओके और फोर पाई वहां पर काउंट हो गया डी थ्री आर में तो हमारे पास बच गया रो आर क्यों स्क्र आर स्क्वेयर बाई फैक्टोरियल भी खोल दिया तो फर्स्ट इंटीग्रेशन टर्म तो आपके पास वन हो जाएगी उसके बाद हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में के ऑप्शन को कंपेयर करना है तो क्यों स्वय के ऑप्शन कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या 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 आएगा माइनस वाई टू क्यू टू माइस ऑफ मीन स्क् रेडियस बाय सिक्स ओके तो यहां पर आपके पास मीन के रेडियस कितना आ गया थ्री बाय क्यू स्क् इसका रूट कर दीजिए तो आपके पास रूट मीन स्क् रेडियस आएगा रूट थ्री बाय क्यू

तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी देखिए ई स्केर वन बाई फोर फाइव सेन वे जानते नाइन तो और ई e स्केर आपके पास वन पॉइंट सिक्स माइनस नाइनटीन क्योंकि स्कोर आपके पास फेर हो जाएगा जूल मीटर और इसे भी हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोट फर्मी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आपके पास आ गया ई स्केर बायो फाइव सेवन इज टू वन पॉइंट फोर फोर मेगा इक्ट्रॉन वोट फर्मी ओके तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो यूनिट्स में आप देखिए आपके पास वन होगा जिससे कि आपके पास ईकेर कितना आ जाएगा वन पॉइंट फोर फोर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी ओके तो ये कुछ आपके पास यूजफुल कॉन्स्टेंट थे जो आपको याद होने चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रो द साइज ऑफ फोर्टी सी ए ट्वेंटी न्यूक्लियस ओके तो इस क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच है देखिए आप अप्रोच सुन लीजिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे पहले तो देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन आप प्रोफ करवाने जा रहे हैं कैल्शियम न्यूक्लियस के साथ उस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होनी चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ वो आपके पास इस न्यूक्लियस के साइज के कंपेरेबल होनी चाहिए ठीक है तो पहले तो हम इस न्यूक्लियस का रेडियस देखेंगे इस न्यूक्लियस का रेडियस कितना है वो रेडियस निकालना आता आपको, R R, 3, है आपको आरज का टू आर नॉट एट दी पावर वन बाई थ्री ठीक है आ नॉट पता आपको ए पता आपको तो यहां से रेडियस निकल जाएगी ठीक है रेडियस में भी आपके पास अप्रोसीमेटली फोर फर्मी आएगी ठीक है वो आपके पास आ जाएगी वहां से आप क्या करेंगे अब आपके पास में फोर फर्मी आ गई ना तो आपको फोर फर्मी की जरूरत नहीं है ठीक है देखिए फोर फर्मी तो रेडियस है तो आपके पास वो इलेक्ट्रॉन जो आप प्रोप करवाने जा रहे हैं वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए एट फर्मी का होना चाहिए तो जो आप एट फर्मी का इलेक्ट्रॉन प्रोप करवाने जा रहे हैं ठीक है उसके लिए आपको क्या निकालनी है कनेक्टिक एनर्जी निकालनी है पहले आप निकालेंगे टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी आप जानते हैं क्या फॉर्म लगेगा इसके अंदर अंडर रूट पी स्क्र सी स्क्यर प्लस एम नॉर्थ स्क्वेयर सी फोर ठीक है तो यहाँ पर पी की वैल्यू आप पुट कर देंगे एच वाई एमरा ठीक है वहाँ से जब आपके पास एनर्जी आ जाएगी टोटल एनर्जी आ जाएगी तो आप क्या करेंगे आपको कनेटिक एनर्जी निकालने के देखिए टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है आपके पास कनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी तो वहाँ से आप निकाल लेंगे ठीक है तो वो आपके पास आएगी तो आपके पास आंसर आएगा वन फिफ्टी फोर मेग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली ठीक है तो आइए एस का देखते हैं देखिए हमने यहां पर रेडियस निकाल निकालिए कैल्शियम न्यूक्लियस की तो कैल्शियम न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है फोर फर्मी आई है ठीक है तो हमारे पास जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए थी एट फर्मी होनी चाहिए थी तो एट फर्मी की आपके पास इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी विच इज इक्वल टू तो कैल्शियम न्यूक्लियस डायमीटर ओके तो यहां पर आगे हम निकालेंगे लगी। टोटल एर्जी टोल एर्जी आप इज्रूट पी सीज के प्लस एम नॉट के सी फोर ठीक है पी आपके पास एच वाई लेमडा ठीक है तो लमडा आपके पास हमने निकाल रखा है लेमडा आपके पास कितना है तो देखिए इसको थोड़ा सिंपीफाई कर लेते हैं हम तो आपके पास ये कितना आ जाएगा एच सी होल स्क्वेयर बल्टा स्वयर प्लस एम ई स्वयर सी फोर ओके अंडरूट ये सारा अंडर रूट में है आपके पास ठीक है तो अब हमने ये छोटी छोटी चीज निकाली थी देखिए वहां पर रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन है ना तो आपके पास तो एम नॉट को मैंने एम ई e कर दिया ठीक है, है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है तो रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का आएगा तो एम ई सी स्वयर हम जानते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके एचकट सी भी निकाल के आए थे एचकट सी देखा था पीछे हमने 197.3 नाइट सेवन पॉइंट थ्री मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी तो एच सी आपके पास कितना आएगा 197.3 नाइन सेवन पॉइंट थ्री क्रास टू क्रॉस थ्री पॉइंट वन फोर तो आपके पास वन टू थ्री नाइन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी ओके तो यहां से आपके पास टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी ये सारा सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी वन फिफ्टी फोर पॉइंट एट सेवन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके तो ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई है इसके बाद इसके बाद बहुत इजी रह गया तो गए मासर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो माइनस ए सी स्क कर देंगे आप्ट्रोन वोट दिस इज आंसर तो, so तो देखिए जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया था वैसे ही आपके पास नेट में भी रखा है क्वेश्चन इन डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ प्रोटॉन्स डेटरमाइन इफ ए प्रोटोन हैज एनी इंटरनल स्ट्रक्चर द अनर्जी ऑफ ए इक्ट्रॉन फॉर दिस मस्ट भी एटलीस्ट तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक कर रहे हैं प्रोटोन के साथ तो so, प्रोटोन मतलब कि यहाँ पर वन एच वन के बारे में बात कर रहा है तो वन एच वन पे आपके पास स्ट्रक होगा इलेक्ट्रॉन ठीक है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी मीन्स यहाँ पर पूछ रही है ठीक है टोटल अनर्जी नहीं पूछ रहा है ठीक है तो वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट ले लेंगे हम ठीक है पहले तो हम वन का रीडियस देखेंगे ठीक है वहां से फिर हम टोटल एनर्जी बताएंगे टोल एनर्जी से फिर हम टोल एनर्जी निकाल के हम कनेटी एनर्जी निकाल लेंगे Easy. तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं वैसे तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कोई भी आपके पास आंसर नहीं आएगा इसका आंसर फाइव पॉइंट फाइव पर एट इलेक्ट्रॉन बोल्ट आएगा ठीक है तो आइए देखते हैं इसका सोलिशन तो देखिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आपके पास 1.2 पॉइंट टू इं टू वन टू द पावर वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट टू फर्मी तो, तो मतलब डायमीटर कितना होना चाहिए था आपके पास टॉइंट फोर फर्म तो आपको वेवल कितनी आ गई है टू पॉइंट फोर फर्मी आ गई ठीक है वापस से हम पुट कर देंगे देखिए एट की वैल्यू आपके पास कितनी वन टू थ्री नाइन ठीक है वो पुट कर दिए एमई सी के पुट कर दिया है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट फाइव वन वन ठीक है तो आपके पास कितना आएगा फाइव वन सिक्स पॉइंट नाइन जीरो सिक्स नाइन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके तो यहाँ से कनेक्ट एनर्जी इजी निकल जाएगी इसका रेस्ट मास एनर्जी माइनस करके ठीक है तो आपके पास कितनी आएगी फाइव पॉइंट फाइव एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके आगे जैसे कि हाइजनबर्गन सर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि आप अपनी लेलेव क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है वो हम वो आपने क्वांटम में भी पढ़ा होगा अभी ठीक है तो यहाँ पर ये एक तरह क्वांटम फैक्ट है अप्लाई ओनली एट माइक्रोस्कोपिक डोमेन यू नो दिस वेरी वेल ओके सो हियर एक्स एंड पी आर इकनोलिकली कॉन्जुकेट कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम ओके सो व्हाट दिस दैट द सेटेटी प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम इन एक्स कॉर्डिनेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई टू दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्टर सिंस नाइनटीन ट्वेंटीज पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली आगे बात करते हैं वेव पार्टिकल डी एंड डी ब्रोगी वेवलेंस नाइन ट्वेंटी फोर तो यहां पर देखिए अगर आपके पास वेवलेंथ फिक्स्ड है वेवलेंथ फिक्स्ड है इसका क्या मतलब है वेवलेंथ फिक्स्ड है तो आपके आप पीस एच बैमडा मोमेंटम भी फिक्स्ड है और मोमेंटम प्रसाइज है मोमेंटम सर्टेन है ठीक है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल पी इज लेस ठीक है तो यहां पर आपके पास जब मोमेंटम ही सर्टेन हो गया आपको फिक्स हो गया है वो प्रेसाइज हो गया है, तो आपके पास अनसर्टेनिटी क्या होगी उसमें लेस होगी अनसर्टेनिटी ओके और अगर आपके पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम लेस है तो आपके पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी मोर डेलेक्स इज लार्ज ओके अब देखिए आपके पास डिफरेंट वेव्स आप इनकाउंटर कर सकते हैं डिफरेंट वेव इकांट करते जैसे कि तीन चार वेव्स बना रखी है मैंने अब देखिए वेव्स तो आपके पास डिफरेंट हो सकती है ठीक है तो आपके पास मैंने डिफरेंट वेव्स आपको शो करके इससे अलग भी हो सकती है ठीक है हम की कुछ कुछ सेट ऑफ वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेव है तो जिसकी वजह से उनका आपके पास मोमेंटम भी डिफरेंट है पी वन पी टू पी थ्री पी फोर लैम्डा फोर विच आर द मोमेंटम एंड वेवलेंथ लेंथ ओके वैन लेमडा इज नॉट फिक्सड ओके लैमडा इज नॉट फिक्ड हियर लैंडा इज नॉट सर्टेन सो मोमेंटम इज लार्ज मोमेंटम विल बी लार्ज येस मोमेंटम विल बी लार्ज दिस लीड्स टू द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव ऑफ दीज वेवस एंड दिस फॉर्म्स ऑफ वेव पैकेट ओके तो जब आपके पास वेव पैकेट बन जाएगा आपके पास जो डेलेक्स है वो लेस हो जाएगा ओके okay? तो so, कुछ जगह वेवस आपके पास डिस्ट्रक्टिव नेचर शो करी होंगी और कुछ जगह आपके पास कंस्ट्रक्टिव ठीक है तो so, यहां पर आपके पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपके पास कम होगी और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज्यादा होगा नेक्स्ट आप देखिए एनर्जी और टाइम में अनसर्टेनिटी ठीक है अब आपको ये फॉमला वेल नोन है इजिकल्स टू एच न्यू सो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इजिकल्स टू एच डेल न्यू ओके अब देखिए अब जैसे कि आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको आप एक इंटरसेक्शन पर खड़े हैं ठीक है आप एक इंटरसेक्शन पर खड़े हैं वहाँ पर काफी सारी कार्स हैं ठीक है थीके? और आपके पास हर कार का साउंड जो है वो अलग है ठीक है पर हुआ क्या सभी कार्स ने एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली हॉर्न में जाना शुरू कर दिया ओके तो जिससे क्या हुआ अब देखिए जो इंस्टेंट, जैसे डेल्टी जितना स्मॉल होगा ना डेल्टी आपके पास इनिशियली बहुत स्मॉल होगा ठीक है जितना कम समय होगा तो उतना आपको ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी कि, कि किस कार से कौन सा हॉर्न आ रहा है ठीक है या कौन सर्टेनिटी ज्यादा होगी ठीक है पर जैसे जैसे समय गुजरता रहेगा आपकी अनसर्टेनिटी खत्म होती रहेगी और आप सर्टेन हो जाएंगे कि हाँ इस गाड़ी से ये वाला हॉर्न आ रहा है इस गाड़ी से ये वाला हॉर्न आ रहा है ठीक है तो आपके पास जब डेल्टी इज वेरी स्मॉल इनिशियली ओके तो वहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी लार्ज होगी फ्रीक्वेंसी आपको लार्ज देखने को मिलेगी और जब जैसे टाइम पास कर जाएगा डेल्टी इज लार्ज एंड फ्रीक्वेंसी विल बी स्मॉल ओके तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं एनर्जी और टाइम का आपके पास अनसर्टेनिटी विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई टू आगे बात करते हैं इन न्यूमेरिकल वी यूज मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ओके मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट यूज करेंगे डेल एक्स डेल पी एक्स इज इक्ल टू एच कट फॉर ऑनलीस इन टाइप वे फंशन डेलेक्स डेलपी एक्स इज टू एचकट बाई ट अब आगे बात करते हैं कि आपके पास मोमेंटम और मास नंबर का क्या रिलेशन है ठीक है तो आपके पास फाइकलियस के लिए आपके पास अनसर्टेटी पोजिशन इज नियरलीक्सिमेटलीक्वल टू द रेडियस ऑफ दट न्यूक्लियस दोमेंटम ऑफ न्यूक्न एन ऑरपी न्यूट्रॉन इन साइड न्यूक्लियॉन इन साइड न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू अनपी इजल टू एचकट बाईस वी नो दिस इज इक्वल टू आर तो आपके पास पी कितना आ जाएगा अनसर्टेनिटी मोमेंटम मोमेंटम का आपके पास ए के साथ का रिलेशन आ जाएगा एच कट बाय आर नॉट एट द पावर वन बाय थ्री तो यहाँ पर आपके पास जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट द पावर माइनस वन बाय थ्री ओके तो ऐसे ही, आप विलोसटी का मास नंबर से रिलेशन भी देख सकते हैं वेलासिटी जैसे कि आपके पास पी बाय एम होती है तो वेलासिटी भी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट द पावर माइनस वन बाय थ्री होगा ओके okay? आगे आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो डिपेंड नहीं करता कि आपके पास पार्टिकल रिलेटिविस्टिक रिलेटिव स्टीक है नॉट रिलेटिविस्टिक है ओके अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया ना कैनेट एनर्जी के ठीक है तो देखिए आपके पास नॉन रिलेटिविस्टिक केस भी आ सकता है और इलेटिविविस्टिक केस भी आ सकता है नॉन रिलेटिविस्टिक में आपके पास न्यूट्रॉन प्रोटोन रिलेटिविस्टिक में आपके पास बीटा नेगेटिव पार्टिकल ठीक है तो नॉन रिलेटिविस्टिक में देखते हैं आप उसमें आप सिंपली क्या करते हैं तो पी टू पी टी बाय बाई एम करते हैं एम विच इल्सो अप्रोसीमेटली चेंज इन मोमेंटम स्क्यर बाय ट एम ओके तो अभी हम रिलेशन देखते हैं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट दावर माइनस वन बाय थ्री तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि आपके पास जो कनेटिकटिकट एनर्जी का रिलेशन है मास नंबर से वो कितना है कैनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट दी पावर माइनस टू बाई थ्री ठीक ये आपके पास डायरेक्टली पेपर में पूछा भी हुआ है तो आप इसको याद रखिएगा फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक केस आगे बात करते हैं रिलेटिविस्टिक में ठीक है रिलेटिविस्टिक केस तो अभी हम करके आए ठीक है इलेक्ट्रॉन के लिए करें दोनों क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर थे तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल का लाइक दस सो इसके लिए हम क्या करेंगे e K. इसका यूज करेंगे प्ल ए के सी फोर ओके यहां से हम एनर्जी निकाल देते हैं ये आपको पता है ओके okay. दो क्वेश्चन आपके पास द मीन मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियन इन न्यूक्लियस विद मास नंबर ए वेरीज एज ओके तो आपके पास मोमेंटम कैसे वेरी कर रहा है मास नंबर के साथ तो ये तो अभी हम निकाल के आए थे डी ऑप्शन है इसका ठीक है तो फर्स्ट तो हो गया हमारा सेकंड पर आते हैं आपको क्या देखा है दे रेडियस है ठीक है तो इसका मोमेंटम पूछा जा रहा है आपके पास तो सिंपली आप यहां पर क्या कीजिए आप यहां प्रिंसिपल लगा दीजिए डेलेक्स इज इजिकल्स टू एच कट क्योंकि आप डेलेक्स तो जानते हैं डेलेक्स यहां पर कितना रखा है डेस्ट टू पर माइनस फिफ्टीन मीटर ठीक है तो डेलेक्स तो आपको देखा डेनेक्सर माइनस फिफ्टी मीटर वो आप सब्सूट कर दीजिए कट आप जानते ही है ओके तो आपके पास सिंपली डेलपी निकल आएगा तो आइए इसका आंसर देखते हैं ओके ये आंसर देखिए आपके पास डेलेक्स आप जानते थे वन फाइफ्टोमीटर है ओके तो डेल पी आप निकालेंगे कट बाय डेलेक्स देखिए ऊपर नीचे मैंने इसी सी से मिली कर दिया क्योंकि हम पीछे यूजफुल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू याद करके हैं ठीक है थीके? तो आपके पास कितनी थी कट सी की वैल्यू वन नाइन सेवन पॉइंट थ्री मेगाक् गोल्ड और नीचे आपके पास वन सेवेंटोमीटर है ठीक है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी आ जाएगा तो कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली थी टू हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ओके okay. तो यहाँ पर आपके पास जो रियल अप्रॉक्सीमेटली आंसर बनता है वो आपके पास सी बनता है ओके okay, तो आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे देखिए आप पहले तो आंसर डेटि प्रिंसि लगाएंगे एक्स डेल पी इज इक्ल टू एच कट ओके तो यहाँ पर आपको देखिए न्यूक्लियर रेडियस दे रखी है तो डेल पी आप आसानी से निकाल सकते हैं बच अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू पी तो पी आपके पास एच कट बाय डेल एक्स तो आप जब पी निकाल लेंगे इसके अंदर से तो आप क्या करेंगे इसके अंदर कनेक्ट एनर्जी निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ पर न्यूक्लियंस के बारे में बात चल रही है तो आप नॉन रिलेटिविस्टिक केस यूज़ करेंगे तो इसमें जब आप एनर्जी निकालेंगे तो इसके अंदर आप पास आंसर आएगा पॉइंट थ्री टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके तो ट्राई कीजिए ओके okay, चलिए इसका आंसर देखते हैं तो देखिए जैसे कि हमने बात की थी आपके पास आप पहले मोमेंटम निकाल लीजिए आंसर टेंटी मोमेंटम आपके पास कितनी आ जाएगी ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइ सी तो देखिए सी से यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए ताकि मेरे पास कैलकुलेशन ईजी हो जाए ओके okay? उसके बाद मैं जानता हूँ नॉन रिलेटिविस्टिक केस के बारे में बात चल रही है यहाँ पर न्यूक्लियंस के बारे में ठीक है तो आप केस केस टू स्क्वायर बाय बैठू हैं पी आप जानते हैं यहाँ पर भी देखिए मैंने सी स्क् से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे पास वही सेम फॉर्मला बन जाए तो पीसी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया ट्वेंटी फोर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये स्क्वेयर हो जाएगा आपके पास टू एम सी तो ओके okay, तो ये आपके पास पॉइंट थ्री टू मेगा एलेक्ट्रॉन बोल्ट आया कैनेटिक एनर्जी डन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द मीन कनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इज न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक वेट ए तो यहाँ पर आपके पास अटोमिक वेट नहीं एटोिक मास आएगा ठीक है न्यूक्लियस ऑफ एटमिक मास वेरीज एज इट द पावर है तो देखिए आप ये तो जानते हैं ना ये तो इजी हमने किया हुआ ये तो ठीक है आपके पास मोमेंटम जो आपके पास अटोमिक मास से जो वेरी करता है वो आपके पास इट दा पावर माइनस वन बाय आता है और जो आपके पास एनर्जी वैरी करेगी वो आपके पास क्या होगी एट दी पावर माइस टू बाई थ्री ओके तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपके पास टू बाई थ्री होगी तो इसे डेम में सॉल्व कर लीजिएगा आप एंसर आपके पास आ जाएगा तो चलिए आगे बात करते हैं वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डिसाइड इन साइड न्यूक्लियस ओके okay? तो तो यहाँ पर हम मिनिमम टू मैक्सिमम केस में चलते हैं तो अगर न्यूक्लियस आपके पास स्मॉल है न्यूक्लियस स्मॉल है मतलब कि आपके पास रेडियस वन फेम्टोमीटर है ठीक है वन फर्मी आपके पास तो अनसर्टेनिटी भी आपके पास वन फर्मी होगी ठीक है तो वहाँ से हम मोमेंटम निकाल देंगे एच कट बाय डेलेक्स तो सी से ऊपर एच कट सी की वैल्यू हम जानते हैं वन नाइट सेवन पॉइंट थ्री मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी और आपके पास डेलेक्स कितना है वन फॉर मी तो आपके पास डॉट सी तो यहाँ पास चली रहा है तो आपके पास पी कितना आ जाएगा वन नटीटी सेवन पॉइंट थ्री मेगाक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ से हम एनर्जी निकालेंगे एनर्जी निकालेंगे पी स्वेयर सी स्वेयर पस एम ई स्केर सी फोर ठीक है तो सारी वैल्यू पुट करके हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो वन नाइटी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी ठीक है तो यहाँ से आपके पास कनेक्ट एनर्जी कितनी बनती है रेस्ट मास मासजी और इलेक्ट्रॉन माइनस करके वन नाइटी सेवन पॉइंट जीरो फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके ये तो हमने निकाल लिया स्मॉल न्यूक्लियस के लिए ठीक है अब जो आपके पास न्यूक्लियस हो सकता है टेन फेमटोमीटर ठीक है इतना आप लार्ज न्यूक्लियस के ले लेते हैं हम लार्ज न्यूक्लियस की जो हमारे पास डायलेक्स आंसर एंटी है इन पोजीशन आपके पास टेन फेमटोमीटर है अकॉर्डिंग टू द लार्ज न्यूक्लियर रेडियस तो यहाँ से हम मोमेंटम निकालेंगे सेम उसी तरीके से तो पीसी यहां पर कितना आ जाएगा नाइनटीन पॉइंट सेवन थ्री मेगाक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ से हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी ट्वेंटी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वापस से रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करके हमारे पास नाइन एनर्जी कितनी आ जाएगी नाइनटीन पॉइंट फोर एट मेगाक्ट्रॉन वोल्ट ओके तो यहाँ से हमें देखने को मिल गया कि आपके पास एनर्जी कनेटिक एनर्जी किसके बीच में हो सकती है नाइनटीन पॉइंट फोर एट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू वन नाइटी सेवन पॉइंट जीरो फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट बीटा पार्टिकल हैव कनेट एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली दस बीटा पार्टिकल कैन नॉट रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस तो यहाँ से प्रूव हो गया है क्योंकि जो ये रेंज बता रहा है इससे तो बहुत ही कम रेंज का आपके पास बीटा पार्टिकल की एनर्जी होती है कैनेटिकटिकट एनर्जी होती है तो आपके पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर अंदर डिसाइड करता हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अन्यक्लियस अज ऑफ टेनस्ट पर मा माइनस फिफ्टीन मीटर कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन बाउंड विद इन अन्यूक्लियस द एस्टीमेट एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ठीक है तो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ठीक है वही आपके पास सिंपल तरीका है इसके अंदर तो ठीक है ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे ठीक है तो आपके पास इसके अंदर क्या है साइज दे रखा है टेनस्ट पर माइनस फिफ्टी मीटर मतलब पोजीशन कितनी आगे टेनस्ट पर माइनस फिफ्टी मीटर यहाँ से आप मोमेंटम निकाल लेंगे उसके बाद तो कनेक्ट एनर्जी का रास्ता बहुत ईजी है ठीक है तो आपके पास ये ऑर्डर पूछ रहा है वैसे भी तो ऑर्डर में आपको आंसर बताता हूँ वैसे इसका इसका आंसर आपके पास बी है टेनस्ट पर टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोटोन टूबिकॉक्साइड मीटर ओके द मिनिमम कनेक्ट एनर्जी ऑफ प्रोटोन द प्रोटोन इज पॉइंट सेवन के जी नो दिस एंड ब्लैक ऑल्सो ओके तो यहाँ पर पूछा जा रहा है okay? निकालने क्या तरीका है तो देखिए वैसे तो ये प्योरली क्वांटम क्वेश्चन है ठीक है वैसे आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं ठीक है आप ट्राई कीजिए अगर आपने क्वांटम कर है जिन्होंने क्वांटम कर है जिन्होंने नहीं कर रखी वो सुन लीजिए कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को तो देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स कन्फाइंड टू क्यूबिकल बॉक्स द मिन कैनिक एनर्जी ठीक है तो मतलब कि आपके पास पोटेंशियल जीरो है और ग्राउंड स्टेट में ठीक है, है? पोटेंशियल जीरो है और ग्राउंड स्टेट में आपके पास तो यहाँ पर आप एनर्जी कैसे निकालेंगे एनर्जी आपके पास कितनी होगी एन स्क्र स्क्वेयर ओवर एट एम एल स्क् ओके आप एन की वैल्यू भी जानते हैं आप देखिए ग्राउंड स्टेट में है, तो आपके पास एन एक्स एन वाई एन जेड आपके पास वन होगा तो आपके पास वो वन आ जाएगा ठीक है तो वो आपके पास टोटली थ्री बन जाएगा ठीक है और आपके पास एचक्योर की वैल्यू जानते हैं एट एम मास भी जानते हैं लेंथ आपके पास टेन पर माइनस ट्वेल्व मीटर देखिए तो बहुत ईजी है आइए देखते हैं इसका आंसर ये देखिए आपके पास क्या क्यूबिकल बॉक्स है मिनिमम कनेक्ट एनर्जी है तो आपके पास पोटेंशियल जीरो है मिनिमम कनेट एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब कि और तो यहां पर आपके पास कनेक्ट एनर्जी कितनी आ जाएगी एन 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 और एट एल स्क् आपके पास एन स्केर के वैल्यू पुट करिए एन स्वयं प्लस एस्वे वाई प्लस एनकेट ओके फॉर मिनिमम एन एक्स इजिकल टू एन वाई इजिकल टू एन जेड टू वन ओके तो आपके पास यहां पर एन स्क्र एक्स प्लस एनक्र वाई प्लस आपके पास कितना आ गया थ्री आ गया तो यहां पर आपके पास कनेक्ट एनर्जी कितनी आ जाएगी नाइन पॉइंट एट सेवन टेन पर माइनस सेवनटीन जूल आ जाएगी ठीक है तो आपके पास सी ऑप्शन एकदम बैठता है नेक्स्ट क्वेश्चन रूट मीन स्वेर एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस ऑफ अटोमिक नंबर ए इट्स ग्राउंड स्टेट वैरीज एज ओके तो रूट मीन स्क्यर आपके पास पूछा जा रहा है या आपके पास क्या आंसर होगा तो देखिए पहले हमने बात की हुई है इसके ऊपर ठीक है तो जैसे मोमेंटम आपके पास माइनस वन की पावर थ्री जैसे मोमेंटम आपके पास माइनस वन बाय थ्री वैरी करता है तो आपके पास जो कैनेटिकट एनर्जी होगी एट दावर माइनस टू बाई थ्री अब कनेटिक एनर्जी का स्वेयर भी हो रहा है ठीक है स्वक्यर फिर मी फिर रूट ठीक है तो स्वेयर हो रहा है तो आपके पास कनेटिक एनर्जी स्क्वेयर इजी करो एट की पावर माइनस टू बाई थ्री की पावर स्वेयर उसके पास रूट भी है मीन भी था तो आपके पास इसके अंदर आंसर डी बनता है तो देख लीजिए जानते हैं कि पावर माइनस वाई थ्री एंड कनेक्ट एनर्जी इज ऑसो डरेक्ट प्रशन पावर माइनस टू बाई थ्री ओके सो कनेक्ट एनर्जी स्वये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट माइनस टू बाई थ्री का स्क्वेयर यहां पर मीन आपके पास यही रहेगा और आपके पास अगर रूट करेंगे तो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट दाइस ट बाई सो डी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अकॉर्डिंग टूस टी प्रिपेट एर्जी टू स्कल रीजन ऑफ वॉल्यूम टेन पार माइनस थर्टी थ्री मीटर क्यूब इज ऑफ ऑर्डर ऑफ तो देखिए अब आप, आपके पास तो देखिए अब आपके पास आर नहीं देर का रेडियस नहीं दे है पर हम इसको रिवर्स कर सकते हैं वॉल्यूम आपके पास फोर बाई थ्री पाईआर क्यू तो यहाँ से आप आर निकाल लीजिए उसके बाद आप वापस से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करके डेलक्स डेल पी इसका टू एच कट करके आप डेल पी निकाल डल पी से आप टोटल एनर्जी बजाइए टोटल एनर्जी से आप कैट एनर्जी बजाइए ओके तो इसके अंदर ऑर्डर पूछा गया है तो इसके अंदर आपके पास डी ऑप्शन बनता है करेक्ट देखिए इसके अंदर आपके पास वॉल्यूम कितना है टेन सुबर माइनस थर्टी थ्री वॉल्यूम फोर बाय थ्री पाईआर क्यू तो आपके पास आर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर निकाल लिया हमने पॉइंट सिक्स टू जीरो फोर फाइव फाइव इंटरेस्ट पर माइनस एलेवन मीटर ओके तो अनसर्टेनिटी पास सिक्स टू जीरो फोर पॉइंट फाइव फाइव फर्मी आ गया आपके पास ऐसे आप यहाँ से डेल्पी निकाल निकालेंगे ठीक है डेल्पी आप आगे एनर्जी इम्पुट कर देंगे और फिर कनेक्ट एनर्जी इजी तो ऐसे आपके पास ये इजी सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास जो ऑर्डर बनता है वो डी ऑप्शन टेस्ट पर माइनस सिक्सटीन जूल